वेरी फ्यूल इंजेक्टेड फैमिली के लिए एक सरप्राइज है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूल इंजेक्टेड इंडियन। मैं हूं आपका होस्ट अंकुल सिंह और हम लोग वापस है एक नई वीडियो के साथ में। ये वीडियो मैं काफी दिन से बनाना चाह रहा था बिकॉज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी CBR खड़ी हुई है। CBR में मेरे को सिर्फ एक ही कमी लगती है, वो लगती है इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर। इसमें क्योंकि ये 2017 मॉडल है, इसमें कोई गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है। जैसे आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो भूल जाते हो कौन सी गियर में हो। जैसे हायर CC बाइक्स हैं तो इनको तेज चलाने में मज़ा आता है, तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, कई बार याद नहीं रहता है डाउन शिफ्ट करते करते कि आप कौन से गियर में आ गए। तो उसके लिए गियर शिफ्ट इंडिकेटर होना ज़रूरी है। मेरी डोमिनर है, उसमें भी नहीं है, बट उसमें मैंने इंस्टॉल करा, वो अपना मैकेनिक के साथ में जुगाड़ करा और सब कुछ उसको इंस्टॉल करा कुछ वीडियोस देख के यूट्यूब से। इसमें भी मैं चाह रहा था काफ़ी दिन से मैं इंस्टॉल करूँ, तो उसके लिए मैंने ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, ये प्लग एंड प्ले है, ये मैंने थाईलैंड से मंगाया है एंड काफ़ी दिन से रखा हुआ था। मैं सोच रहा था इसको इंस्टॉल करूँ, तो कुछ वीडियोस मैं बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। आज इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के थ्रू चलते हैं पूरा कि कैसे इसको इंस्टॉल करा जाता है। वैसे तो जो मैंने वीडियोस में देखा है काफ़ी आसानी से इंस्टॉल हो जा रहा है इसको, एक बार हम भी जाते हैं देखते हैं कैसे इंस्टॉल होता है। और जिनके पास में CBR है, मेरे दोस्तों के पास में, और वो चाहते हैं इंस्टॉल करना, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे कि कैसे गियर शिफ्ट इंडिकेटर इंस्टॉल करा जाता है बाइक। सो लेट्स गो। तो ये तो है कुछ बॉक्स की कंटेंट्स, ये देख सकते हैं आप, ये मेन गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, झंडा लिखा हुआ है इस पर, इसी पर हमें गियर्स का पता चलेगा। एंड ये हमें एक मेल कनेक्टर दिया हुआ है जिसके ये इंडिकेटर्स के वायर्स इसमें जाएंगे, और हमें ये जो बैटरी के पास में अभी सीट हटाऊंगा मैं, वहाँ पे फीमेल कनेक्टर है, उससे सिर्फ कनेक्ट करना है, इतना काम करना है बस। थोड़ा सा ये जिप टाइज भी हमें मिली हैं, तो इसके थ्रू हमको पूरा अच्छे से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसकी वायरिंग को। एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं इसको सेटअप करने के बाद में, कैसे हमको गियर्स कैसे इंडिकेट होंगे, वो सेटअप कैसे करना है, हर गियर का इसको कैसे बताना है कौन सा है। तो आपको इसके थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ सीधे सीधे प्रोसेस में ले चलता हूँ। तो ये कुछ 3mm के स्टिकर्स भी हमको मिले होंगे, अभी जो चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है वो किनारे कर देते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सीट खोलता हूँ और दिखाता हूँ ये कहाँ पर कनेक्टर लगेगा। ये हमने दी सीट खोल, हमने सीट निकाल दी। सॉरी, बहुत सब गंदा हो रखा है, काफ़ी दिन से बाइक खड़ी हुई है। और जिस कनेक्टर की मैं आपको बात कर रहा था वो दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, एक बार देखिए, ये देख रहे हो आप, ये एक फीमेल कनेक्टर खाली पड़ा हुआ है ऐसे, ये ही है जिसमें हमको वो मेल कनेक्टर इंस्टॉल करना है। अब मेरे को इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कौन सा किस में डालना है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान काम है अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, मगर बहुत ही टेढ़ा काम है अगर आप पहली बार कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन में यही ना लिखा हो कि कौन सा तार कहाँ जाता है। तो किसी तरह से मैंने YouTube पे सर्च करके इसको इसमें डाला, मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूँगा आपको जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन सा तार कहाँ जाना है। बड़ा टेढ़ा काम है उसको भी समझना, बट ये फॉर्चुनेटली डल गया इसमें। अब बचा है आसान काम जो कि है प्लग एंड प्ले। ये जो फीमेल कनेक्टर था इसमें मेल कनेक्टर में सारे वायर्स फंसा दिए, अब इसको फीमेल कनेक्टर को मेल कनेक्टर पे रख देते हैं ऐसे, ये लीजिए, दिस इज डन। एंड ये हमारा डिस्प्ले है जिसको मैंने अभी कवर कर दिया, आपको हो सकता है इसमें दिखे, अंदर मैं दिखा देता हूँ। अब मैं इसको घुमाता हूँ, देखिए चाबी जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा इसमें आ जाएंगे डिस्प्ले, अभी एल लिख के आएगा ये। चलिए इसको तो बाद में सेटअप करेंगे, पहले इसको सेट कर दें बाइक पर एक बढ़िया सी जगह पर। तो अभी इस पर मैंने ग्लव चढ़ा दिया है ताकि मैं जब राउटिंग करूं इसकी पूरी गाड़ी में तो इसके ऊपर स्क्रैच ना आए, बाद में हटा देंगे, पहले निकालना शुरू करते हैं इसको। देखिए हाथ पूरे गंदे हो गए खोलने के लिए, इसको ऐसे डाल देते हैं और इधर से लेते हैं निकाल, फाइनली कर देते हैं यहाँ से आगे से निकालने की कोशिश कर लीजिए, आगे तक हम लोग ले आए हैं। अभी इसको हम लोग जिप टाई करेंगे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है इसको लगाते हुए, यहाँ लगाया किसी ने, यहाँ लगाया, मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट जगह पे लगाऊँ, यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से फिजिकल है, क्योंकि बिल्कुल अगर मैं अंदर लगा देता हूँ तो वो विजिबिलिटी भी डाउन हो जाएगी इसकी, यहाँ से थोड़ा शेड में भी रहेगा ताकि पानी ना पड़े डायरेक्टली इसके ऊपर।
तो लीजिए गाइस, ये सेट हो चुका है। अब इसका एक बार बाहर आ चुका हूँ मैं इसका पूरा सेटअप करने के लिए। मैंने कनेक्शन निकाल दिया था अंदर से, बिकॉज हर गियर में डाल के इसको सेट करना है, तो दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा। मैं चलाते हुए यहाँ तक जब तक लाया हूँ तो मैं नहीं कर सकता था, आई नीड अ ओपन रोड फॉर दैट। पैडॉक स्टैंड होता घर पे ही कर लेता बाहर नहीं आना पड़ता, बट ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया है कनेक्ट, सीट को वापस लगा देते। ये लीजिए, इग्निशन ऑन किया, ऑन हो गया, एल आ चुका है। अब हमें पहले गियर में डाल के चलानी है ये थोड़ी देर। ये देखिए, वन ब्लिंक कर रहा है, अब वो टू में डालने को कह रहा है, वो हमने टू में डाल दी है। टू में चल रही है गाड़ी, अब वो थ्री में डालने को कह रहा है, थ्री में डाल देता हूँ मैं। थ्री में चल रही है अब गाड़ी, अब फोर में डालने को कह रहा है, फोर में डाल देता हूँ लोग पब्लिक रिएक्शन भी दे रहे हैं साथ में। अब मुझे फिफ्थ में डालने को कह रहा है, मैं फिफ्थ में डाल देता हूँ। ये लीजिए, फिफ्थ में डाल दी मैंने, एंड एट लास्ट अब मुझे सिक्स्थ में डालने को कह रहा है। ये लीजिए, सिक्स्थ में आ गई गाड़ी। एंड लास्ट ओ, एंड इट्स ऑल सेट। देखिए एक बार करके, अरे वाह देखिए एक बार पूरा स्टार्टअप करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, ज़ीरो ज़ीरो मीन नथिंग, अभी तो कुछ नहीं पता। अभी ये डैश दिखा रहा है, पहले गियर में चलना शुरू करते हैं। तो अब आ गया पहला। अच्छा, क्लच ले रहा हूँ तो क्लच लेने पे नहीं बता रहा कौन से गियर में हो सही से। चलो ये तो अब थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके ही मैं बता पाऊँगा इसका क्या एक्सपीरियंस है। इफ़ आई एम इन अ गियर, इतना तो ये इंडिकेट कर दे रहा है कि हाँ मैं सही गियर में हूँ। जैसे ही मैं क्लच लेता हूँ वहाँ डैश आ जाती है। बट मेरी नीड थी कि भाई मुझे ये जानना ज़रूरी है मैं कौन से गियर में हूँ, तो मैं उस हिसाब से डाउन शिफ्ट कर पाऊँगा। टाइम डिले है बट बहुत ज़्यादा नहीं है।
एटलीस्ट जो मेरा पर्पस था कि भाई मुझे पता चलना चाहिए मैं कौन से गियर में चल रहा हूँ, मैं उस हिसाब से अगर मुझे दिख रहा है मैं चौथे में हूँ तो मैं डाउन शिफ्ट कर सकता हूँ, पाँचवें में हूँ तो मैं तीसरे में आ सकता हूँ, दैट्स मेरा काम तो बन गया भाई। मैं जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हुआ एक आधा बार मैं डाउन शिफ्ट करते करते, देखो पहले गियर में तो गाड़ी जाती नहीं है जब वो काफ़ी अच्छी खासी 40 की स्पीड में चल रही हो, बट मुझे जैसे एकदम से ब्रेक मारना पड़ा तो मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो पहले में गई नहीं तो फिर मुझे पता चलता मैं पहले में हूँ, मतलब मैं पहले तक पहुँच गया हूँ। हर समय कौन याद रख पाएगा कि कौन से गियर में है, तो इसीलिए आजकल तो हर गाड़ी में इंटीग्रेटेड आ रहा है। अब जिनमें नहीं है उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा आई कैन से बहुत बढ़िया सेटअप है। इतना रिएक्शन पाती है गाड़ी, और मेरी फ्यूल इंजेक्टेड फैमिली के लिए एक सरप्राइज है आने वाली वीडियोस में, यू विल लव इट गाइस, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो गाइस मेरा काम तो हो गया, कुछ दिन यूज़ करने के बाद में मैं आपको बता पाऊँगा ये कितना एक्यूरेट और कितना सक्सेसफुल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, एंड जैसा भी फील हुआ हो आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो गाइज मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, राइड सेंसिबल, एंड स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइज़।